केंद्र सरकार પોતાની સફળતાના 9 વર્ષની ઉજવણી આગામી 1 મહિના દરમિયાન કરવાના છે। તો આ પ્રસંગે કેબિનેટ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર ગુજરાત આવ્યા હતા ત્યારે નવા સાંસદ ભવનના લોકાર્પણનો વિરોધ વિપક્ષે કર્યો હતો। આરજેડી એ બિલ્લાએ કોફિન સાથે સરખાવ્યું હતું તો જેની જવાબમાં અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું હતું કે પશુઓના ઘાસચારા જમણે ખાને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે तो हजु तेओ जेलमां छे तो विपक्ष पोतानुं सांसद पद खोलवायुं छे तो नवा सांसद सामे वांधो उठाई रह्या छे। पहला सांसद चालवा देता हता तो हवे सांसद भवन सामे विरोध करावी रह्या छे। प्रार्थना वहां पर हुई और इससे विपक्ष का झूठ साफ नजर आता है। सर्वधर्म प्रार्थना, पूरे देश के विपक्ष के पार्टियों को सबको बुलाया गया, सभी सांसदों को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। हाँ, कुछ नेताओं का संसद में आना, क्या एमपी बनने पे प्रतिबंध लग गया? जिस तरह प्रतिबंध मीन्स कि उनकी चले गए, एमपी नहीं बन पाए, तो अब वो पहले बहाने ढूंढते थे कि पार्लियामेंट का सेशन ना चले, अब बहिष्कार करते हैं। पहले बहाने और अब बहिष्कार तक आ गए हैं।